थिएटर सेकंड ईयर के लिए टेप डाइव और मशीन मेंटेनेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। टेप वो इंटरनल थ्रेड काटने का औजार है। यह एक सिलिंड्रिकल रॉड के समान होता है। टेप यह एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है जिसमें आगे की ओर फ्रेम कटा रहता है। इसको के इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किसी जॉब में अंदर का थ्रेड काटने के लिए इस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक रिंच होता है जिसको हम टेप रिंच कहते हैं। ये देखिए आपका टेप रिंच है। इसमें इसको जो है बॉडी बोलते हैं। इसका एक भाग जो है घूमता है। इस घूमने से यहां पर इसका एक जा है वो भेगुलिया जो कि आगे की ओर बढ़ता है। देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है और नीचे घुमाने से घटता है और बढ़ता है। इस सिलिंड्रिकल रड को टेप को इसमें लगा देते हैं। देखिए लगा दिए और इसको घुमाने के बाद एक कसा दिया। कसाने के बाद किसी नट में या जिस जगह पर अंदर में टेप यानी गुना काटना है इसको उसको छेद में छिद्र में डालकर और इस तरह से घुमाते हैं। जितना घुमाते हैं उतने ही हम बाहर की ओर फिर से दोबारा वही स्थान पर जहां से घुमाते हैं वहीं ले आते हैं और ऊपर से तेल डालते हैं जिसके कारण इसके अंदर जो कटिंग होता है जो थ्रेड कटता है जो मटेरियल कटता है तेल डालने से और उसको उल्टा घुमाने से इसका कटिंग चिप्स बाहर की ओर फेंक देता है। ये है इंटरनल थ्रेड काटने का टूल्स। इसको कहते हैं टेप। इसका नाम टेप है। देखिए ये टेप है। इसका नाम सैंक है। आगे की ओर सैंक है। यहां से लेकर यहां की दूरी जो है वो बॉडी कहलाता है और इसमें एक थ्रेड है। एक थ्रेड कटा हुआ है इसको हम थ्रेड करते हैं और नीचे का भाग कटिंग फेस कहलाता है। इस तरह से ये टेप के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं। अब है डाई। डाई जो है वो भी वो एक्सटर्नल ऊपर के थ्रेड काटने का औजार है जो आप देखते होंगे चापाकल मिस्त्री के साथ लेके जाता है और पाइप पर जहां थ्रेड नहीं कटा जाता है इसी डाई से वो काटता है। टेप से गुना काट लेता है और फिर सॉकेट उसमें चढ़ाता है। दोनों जो है एक इंटरनल और एक्सटर्नल गुना काटने का औजार है। एक को टेप कहते हैं दूसरे को हम डाई बोलते हैं। टेप को चलाने के बाद जब एक टेप चलता है इसके बाद इस टेप को निकाल देते हैं और जितना थ्रेड कटता है उसको साफ करने के लिए एक दूसरा सेकेंड टेप लगा करके और फिर से घुमाते हैं ताकि उसका थ्रेड जो है वो जो कमी रह गया है उसको पूरा करते हैं। इस तरह से तीन थ्रेड अंत में फाइनल थ्रेड काट से छिद्र को साफ करने थ्रेड को साफ करने के लिए तीसरा टेप लगा करके और घुमाते हैं टेप डालते हैं। इस तरह से उसका थ्रेड कट जाता है। इसी में हम आज थोड़ा थोड़ा चैप्टर मशीन मेंटेनेंस का लगा दिए हैं। मशीन मेंटेनेंस जैसे फैक्ट्री में चलते चलते मशीन जो है वो बैठ जाता है यानी बंद हो जाता है टूट जाता है
उसके सामान टूट जाते हैं, नट बोल्ट टूट जाते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए जब टूट जाता है मशीन बंद हो जाता है, मशीन बंद हो जाता है तो प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है, प्रोडक्शन बंद होने से बाजार पर इसका प्रभाव पड़ता है। कारखाने में जहाँ उत्पादन होता है वहां पर मशीन मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। इसमें मशीन मेंटेनेंस में देखा जाता है कि उसके नट बोल्ट, उसके पार्ट्स, घिसे हुए पार्ट्स, रोज चलते चलते जो मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं या नट बोल्ट टूट जाते हैं, उसे को मरम्मत करने के क्रिया को हम मशीन मेंटेनेंस कहते हैं। उसको तीन भागों में बांटा गया है। रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस में जैसे ही हम फैक्ट्री में जाएंगे मशीन को चालू करेंगे उसके पहले उस मशीन को देखते हैं, उसका नट बोल्ट टूटा नहीं है, उसका कोई पार्ट को घिसा हुआ नहीं है। इस तरह से रूटीन रोज का वो क्रिया है उसे हम मशीन मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं, रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं। दूसरा है इन्वेंटरी मेंटेनेंस, इसके लिए उचित समय निश्चित किया जाता है। प्रिवेंट में यानी किसी दिन एक निश्चित समय किया जाता है, उस समय पर हफ्ता में एक बार प्रिवेंट मशीन मेंटेनेंस का काम किया जाता है और उसके रख रखाव, उसके पार्ट्स, घिसे हुए पार्ट्स, नट बोल्ट को बदल दिया जाता है। तीसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है जैसे चलते चलते मशीन अचानक बंद हो जाती है, बंद हो जाने के बाद मशीन बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो लोग जब कारीगर देखेगा कि क्या उसमें खराबी है, नट बोल्ट टूट गया या उसके पार्ट्स टूट गए हैं, अचानक मशीन जो बंद हो जाता है उसे हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। उसमें मेंटेनेंस को दूर करने के लिए उसमें जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उसको फिर से बदलकर पुनः चालू किया जाता है।